बड़ी खबर यही है कि विपक्ष के हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है। पहले लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, फिर राज्यसभा में भी भारी हंगामा हुआ तो राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। पहले दिन तो कम से कम सुचारू रूप से संसद की कार्यवाही चल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस कुछ ही देर के बाद विपक्ष का भारी हंगामा शुरू हो गया, सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। देखते हैं कि विपक्षी रणनीति क्या है। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रमन, दोनों सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है विपक्ष के भारी हंगामे को देखते हुए, क्या रणनीति है विपक्ष की इस बार? देखिए, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष की अपील का कोई असर विपक्षी सांसदों के ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि संसद शुरू होने से पहले ही गांधी प्रतिमा के सामने करीब 11 विपक्षी दलों के सांसदों का प्रदर्शन हुआ। वो मांग कर रहे थे कि कृषि कानून को लेकर जो भी प्रावधान हैं उस प्रावधान को सरकार मान ले, क्योंकि MSP से लेकर कई ऐसे मुद्दों का जिक्र जो किसान हैं वो कर रहे हैं उसको सरकार माने। सिर्फ कानून को वापस लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो इतने किसानों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए, साथ ही साथ MSP लागू करने की बात सरकार करे, और साथ ही साथ जब अभी 2 बजे के आसपास जो मुकर्रर किया गया है, समय मुकर्रर किया गया है कि 2 बजे कृषि कानून को लेकर जो बिल पेश किया गया था उसे सरकार वापस लेगी, उस वक्त सिर्फ वापस ना लिया जाए बल्कि चर्चा हो। चर्चा के दौरान सरकार के साथ साथ विपक्ष अपनी बात रखना चाहती है, और विपक्ष ये भी चाहती है कि प्रधानमंत्री इस मामले में इंटरवीन करके अपनी बात रखे, और किसानों को जो उन्होंने कही थी कि ये बिल पूरी तरीके से साफ था, मेरा इरादा बिल्कुल साफ है, लेकिन मैं समझा नहीं पाया, जो कृषक हैं उनको समझा नहीं पाया, इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष चर्चा कराना चाहती है, लेकिन सरकार अभी तक चर्चा कराने के मूड में नहीं है, इसीलिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये BJP की तरफ से रमन ये कहा जा रहा है कि ये जो मामला है किसान वर्सेस सरकार है, उधर विपक्ष तो विपक्ष वर्सेस विपक्ष की लड़ाई हो रही है, उसे हमें कुछ लेना देना नहीं है उससे, तो इस बार नजर भी आ रहा है कि विपक्ष में ही फूट, एकजुट है ही नहीं विपक्ष। बिल्कुल, आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्षी सांसदों की बैठक हुई उसमें कई अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसद नदारद थे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद नहीं थे, शिवसेना के सांसद नहीं थे और NCP के सांसद नहीं थे। जो दलील दी गई कि शिवसेना के नेता संजय राउत की बेटी की शादी है इसके चलते उनके सांसद नहीं आ पाए, TMC के सांसदों का कहना था, डेरेक ओब्रायन ने जब मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की कि उनकी कार्यकारिणी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक है इसीलिए आज की बैठक में वो मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से TMC के नेताओं ने लगातार कांग्रेस पार्टी सहित दूसरे गैर BJP नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का सिलसिला जारी रखा है उसके बाद से तलखी साफ तौर पर दिख रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि TMC अपने दम पर प्रोटेस्ट करना चाहती है, वो किसी के पीछे नहीं जाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी दल है और कांग्रेस पार्टी लगातार इससे पहले के सेशन में आपने देखा था कि तमाम विपक्षी दलों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की थी और विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार के बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बाद से TMC चाह रही है कि वो अपना खुद का रास्ता अख्तियार करे, लेकिन आज जो TMC की दलील है उसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि कल TMC विपक्ष के साथ रहती है या नहीं रहती है। रमन, में लौट रही हूँ इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। देखिए, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है हंगामे के चलते, और राज्यसभा की कार्यवाही भी 12:19 तक के लिए स्थगित कर दी गई है, तो दोनों सदन की कार्यवाही को रोक दिया गया है विपक्ष के हंगामे के चलते। रमन लगातार बता रहे हैं विपक्ष की अपनी रणनीति है, लेकिन विपक्ष की इस बार अलग अलग रणनीति है, पूरा विपक्ष एक साथ नहीं है, और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है किसानों की मांग कि MSP को कानूनी जामा पहनाए सरकार, उसी को विपक्ष ने पुरजोर तरीके से उठाया है। लखीमपुर हिंसा का भी मामला इसमें शामिल है, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। रमन, News 24 पर ही आज TMC के लीडर ने कहा कि राहुल गांधी में अब लीडरशिप वाली बात नहीं है, TMC संभालेगी मोर्चा। देखिए, बिल्कुल, ये पूरी तरीके से एक संकेत है कि ममता बनर्जी से जब ये सवाल पूछा गया था कि 2024 में क्या वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगी, तो उन्होंने कहा कि जब उनके पास नंबर आएगा तो वो अवश्य इस बारे में सोचेंगी, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि विपक्षी दलों में सबसे बड़ी दल। ठीक है रमन, मुझे आपको रोकना होगा यहाँ।